पूरा दिन आलस के साथ बिताने के बाद हम जा रहे हैं दशहरा देखने के लिए, तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो चलो चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को निहार लेती हूँ, और घर पूरा मैस मैस हो गया है। कोई बात नहीं, इसको आके करेंगे, अभी पहले जाते हैं इंजॉय करके आते हैं। तो हम निकल पड़े हैं, एक स्कूटी पर चार चार लोग सवार होके। हम दशहरा देखने गए थे, वहाँ पे हुई थी लड़ाई, तो लड़ाई क्यों हुई थी ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए, और हमने अपनी स्कूटी लगाई पार्किंग में, और हम पैदल पैदल ही निकल पड़े हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे। और यहाँ पे देखो मुझे कुछ ये दिखा, ये बच्चा है सिल्वर कोटेड, कुछ इसने बॉडी पे लगा रखा था। मैंने तो इसके साथ बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए। और फिर हम अंदर गए ग्राउंड में, और फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि पहले हम कुछ खाएं या फिर हम कोई झूला झूलें। मैं तो जब कभी दशहरा देखने या कहीं ऐसी जगह जाती हूँ मेले वगैरह में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे देखो ये रावण जी डांस कर रहे हैं, थोड़ी देर में इनका अंत होने वाला है इस खुशी में शायद। और सब लोग ये बजाने वाला ले रहे थे, तो हमने सोचा हम ही पीछे क्यों रहें, तो हमने भी ख़रीद लिया। और इसे देखो बजाना भी नहीं आ रहा है, सीधा बजाते कि उल्टा उल्टा बजाना शुरू कर दिया उसने। और देखो मुझे यहाँ पर देखी बहुत ही क्यूट क्यूट सी इयररिंग्स, पर मैंने एक भी नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी हैं। फिर हम लोग डिसाइड करने लगे कि हम कौन सा झूला झूले, कोई बोल रहा था राउंड वाला, कोई बोल रहा था कुछ। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम डांसिंग चेयर वाला झूला झूलेंगे। और हम इतनी लंबी लाइन को चीरते हुए निकल पड़े, और जब हम लाइन में लगे थे उतने में ही रावण दहन भी हो चुका था, वो हमने मिस कर दिया झूला झूलने के चक्कर में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितनी तगड़ी भीड़ लगी हुई है, और इसी भीड़ में दो लेडीज़ एक दूसरे को बाल पकड़ पकड़ के लड़ रही थी। और यहाँ पे हम लोग झूले में बैठ गए थे, लेकिन मैंने झूले की कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि चलने के बाद वो बहुत तेज़ चलने लगा था, मेरा फ़ोन गिर सकता था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। अब भाई मेले में आए हैं तो कुछ खाए बिना तो जा नहीं सकते, तो मुझे दिखे ये गोलगप्पे वाले भैया, और मुझे टिक्की बहुत पसंद है इसलिए मैंने अपने लिए बनवाई एक टिक्की और मैंने खाई। लेकिन बाकी लोगों को ये नहीं खाना था, उन्हें कुछ और खाना था, तो उन्होंने अपना एंजॉय किया, मैंने अपना एंजॉय किया। और ये देखो मैंने क्या देखा, ये छोटी सी बच्ची एक सिंगल रस्सी पे चल रही है, डांस कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, पर कैसे कर लेते हैं यार। और फिर यहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा और खाया भी, हमने काफ़ी सारा कुछ खाया, चाउमीन, मैंने टिक्की के बाद चाउमीन भी खाई थी। अब खाया पिया इंजॉय किया, अब वक्त है घर जाने का। ओके बाय बाय।